दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों इंडिया ने सुखोई 30 MKI की सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए रशिया के इंजन स्वैप के ऑफर को मना कर दिया है। रशियन एयरफोर्स ने अपने 36 सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स के लिए नए इंजन इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसमें अब AL-41F1S इंजन लगाए जाएंगे। सुखोई 35 भी यही सेम इंजन इस्तेमाल करता है और अब रशिया ने भी इंडिया के 272 सुखोई 30 MKI के लिए सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इसी इंजन को ऑफर किया था, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को मना कर दिया है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे ये पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत किसी भी नए इंजन को लगाने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि वो इस अपग्रेड में सिर्फ नए हाई पावरफुल AES रडार के ऊपर और अपग्रेडेड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें जो पावरफुल AES रडार और अपग्रेडेड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे वो इससे पहले सुखोई 35 और सुखोई 57 प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें जो रडार लगाया जा रहा है वो रशिया के पाक कैफे सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। NPOAL-41F1S टर्बोफैन इंजन एक थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल वाला इंजन है जिसे कि सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में लगाया गया है। ये 142 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने वाले AL-31FP इंजन के मुकाबले ये 90 kN ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। रशियन एयरफोर्स ने अपने सुखोई 30 SM फ्लीट में अपने सभी में लगे इंजन को बदलने का फैसला लिया है। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। सुखोई 30 SM फ्लीट में जो AL-41F1S इंजन लगाया जाएगा वो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रशिया अपने सुखोई 30 SM का इंजन बदल रहा है, क्योंकि इससे सुखोई 35 और सुखोई 30 SM का इंजन सेम हो जाएगा, जिसमें दोनों इंजन के सेम हो जाने के कारण दोनों के रख रखाव और सर्विसबिलिटी में फ़ायदा होगा और उसे आसानी से सर्विस किया जा सकेगा और उसमें खर्चा भी कम आएगा। लेकिन इंडिया को इंजन बदलने का ऑफर किसी अलग कारण के लिए दिया गया था, क्योंकि इंडिया के सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने वाले AL-31FP इंजन में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, जिसे कि ज़्यादा तौर पर ठीक कर लिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। हाल ही में इंडिया के HAL ने यह कन्फर्म किया था कि सुखोई 30 MKI के 222 यूनिट्स के ऑर्डर को पूरा कर लिया गया है। ये ऑर्डर नासिक प्लांट में बनाया जा रहा था। HAL सुखोई 30 MKI के हर साल 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर रहा था और अब HAL को नए ऑर्डर्स की वेट है। HAL और इंडियन एयरफोर्स अपने रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को मॉडर्नाइज करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये डील भी जल्द ही फाइनलाइज हो जाएगी। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट बन जाएगा और ये इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा सालों तक सर्व कर पाएगा। इसके साथ ही एक न्यूज़ ये है, ये है कि तेजस फाइटर जेट का तेज EX फाइटर वेरिएंट बहुत जल्द आ रहा है। तेज EX एक तेजस का एक एक्सपोर्ट मॉडल होगा जो कि 2023 में सामने आएगा। इसके साथ ही HAL इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस Mk-1A फाइटर जेट डिलीवर करने जा रही है, जिसकी डील बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके साथ ही HAL तेजस के एक लो कॉस्ट वर्जन के ऊपर काम कर रही है, जिसका नाम तेजस EX रखा गया है। ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन 2023 के बाद शुरू हो जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन पता चली है उससे ये पता चला है कि तेजस EX तेजस Mk-1 से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन तेजस Mk-1A से कम एक्सपेंसिव होगा और HAL का इसे बहुत जल्द प्रोड्यूस करने का प्लान भी है। तेजस EX को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकेगा और इसे कस्टमर के रिक्वेस्ट के मुताबिक इसमें तेजस Mk-1 या तेजस Mk-1 में इस्तेमाल किए गैस सिस्टम्स इसमें लगाए जा सकेंगे। तेजस EX का टेस्ट प्लेन कंपनी के द्वारा खुद बनाया जाएगा और इसे एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसका पहला एयरक्राफ्ट 2023 तक तैयार हो जाएगा। तेजस EX में ELA-2032 MMR और ELA-2052 जैसी रडार ऑप्शंस होगी और लेटेस्ट तेजस में इसमें उत्तम AES रडार की ऑप्शंस भी होगी। इसमें तेजस Mk-1A में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स के इंटीग्रेशन की भी चॉइस होगी। इसमें इंडिया अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज ए टू एयर मिसाइल और 100 इनर्शियल गाइडेड बॉम्ब भी ऑफर करेगा। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है किसी और देश के वेपन सिस्टम्स मिलें तो वो वेपन सिस्टम भी इसमें लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।